इंदौर के ऐतिहासिक व प्राचीन जूनी इंदौर स्थित नौ ग्रह मंदिर के प्रांगण में दबंग दुनिया वे बाबा फुट प्रोडक्ट के तत्वाधान में नवरात्रि अभ्युदय गरबा का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें नवमी पर गरबा के साथ शो कलाकारों ने रामायण की मनोहारी नाट्य प्रस्तुति देकर दीपोत्सव मनाया। इंदौर के जूनी इंदौर स्थित प्राचीन नवग्रह मंदिर के प्रांगण में लगातार 45 वर्षों से दबंग दुनिया वे बाबा फूड प्रोडक्ट द्वारा नवरात्रि गरबा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसी को लेकर नवरात्रि के नवमी के दिन माता रानी के दरबार में भव्य गरबा वन नाटक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसे सैकड़ों की संख्या में जन सैलाब देखने पहुंचा। गरबा में ढोलक और सुमधुर गीतों की पेशकश कर माता रानी को नम आंखों से नवमी का आखिरी दिन बनाया गया। रूपराम नगर नवग्रह मंदिर पांडाल में नवमी की रात में खचाखच भरे माहौल में बारिश आने के बावजूद भी अब यहाँ पर बहुत प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रूप से मतलब जो एक रामायण का जो पूरा चित्रण करा शुरू से लेकर आखिरी तक, और उसके पहले दो तीन प्रस्तुतियाँ और की गई है। इसमें आज शो स्टॉपर्स के द्वारा जो दो प्रस्तुति गई वो अद्भुत प्रस्तुतियाँ थी। बालिकाओं ने गरबे भी करे और पानी होने के बावजूद नवमी को रात 1:30-2 बजे तक ये माहौल रंगारंग कार्यक्रम चलता रहा, और हम उम्मीद करते हैं कि अगले वर्ष हम इससे भी अच्छे और परफॉर्मेंस आप लोगों को सबको दिखाएं, यही हमारी कामना है। अभ्युदय गरबा पंडाल में माता रानी के भयता के सामने शो शॉपर टीम द्वारा 9 दिनों तक कई प्रस्तुतियाँ दी गयी। आखिरी दिन कलाकारों द्वारा संपूर्ण रामायण का नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसे सैकड़ों की संख्या में दर्शकों ने श्री राम के जयकारों के साथ दीपोत्सव बनाया। टीम के कलाकार टीवी के कई ऐसे नामी शो में अपनी प्रस्तुतियां दे चुके हैं और आने वाले दिनों में टीवी पर कलाकारों के कई शो आने वाले हैं। कलाकारों द्वारा अभ्युदय गरबा में ये 5वां वर्ष था, जिसमें उन्होंने अपनी अद्भुत प्रस्तुतियां देकर दर्शकों सहित आयोजकों का भी मन मोह लिया। आयोजकों द्वारा कलाकारों को प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाने का माता रानी से आशीर्वाद मांगा। मैं हम लोग हमारी टीम शो शॉपर टीम यहाँ 5 साल से गरबा कर रहे हैं, आज हमें पूरे 5 साल कंप्लीट हो गए, और हम लोग यही उम्मीद करते हैं जब तक हमारे रगों में खून तेज़ी से दौड़ता है और जब तक जान है, हम लोग यही अभ्युदय में गरबा करना चाहते हैं। और हमने 9 दिन हर दिन 2-2 प्रस्तुतियाँ दी हैं हमारी, और बहुत डिफरेंट तरीके से की है। माँ के रूप भी दिखाए हैं हमने, आज रामायण भी की है हमने, हनुमान चालीसा की है हमने, गणपति वंदना की है हमने, शिव स्त्रोत किया है हमने, सब भगवान के भजन पे गीत पे हमने गरबा किया है। हमने बहुत सारे रियलिटी शो में किया है, इंडियाज़ डांसिंग सुपरस्टार, इंडियाज़ गॉट टैलेंट, डांस इंडिया डांस, और अभी हम लोग डांस प्लस के लिए सेलेक्ट हुए हैं। सीज़न 5 जो आने वाला है उसके लिए हम सेलेक्ट हो चुके हैं।